हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, जीवन के हर पहलू में तरक्की कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत ही तड़पता हुआ टॉपिक लेके, आपके पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी। यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी हर एक व्यक्ति के जीवन में डिफरेंट होती है। किसी की फैमिली होती है प्रॉब्लम, किसी के पेरेंट्स राज़ी नहीं होते हैं, किसी की लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में जॉब नहीं मिल रही होती है। तो हर व्यक्ति की जो थर्ड पार्टी है ना, वो डिफरेंट हो सकती है, मतलब सिचुएशन अलग हो सकती है हर एक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर रीडिंग जनरल है, आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट करे डियर, उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और रीडिंग जेंडर फ्री है, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, क्योंकि सभी के अंदर सिर्फ ऊर्जा है, आत्मा है, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा। तो यहाँ पर रीडिंग जेंडर फ्री है। तो शुरू करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहले एक रो हम निकालेंगे आपके पर्सन की एनर्जी की, और दूसरे डेक से दूसरी रो निकालेंगे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, सेकंड रो उसके लिए। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनके जॉडियक साइन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। गाइस, थर्ड पार्टी के रहमो करम की वजह से आपके पार्टनर अभी इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के दो चार हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फीमेल आगे जा रही है और पीछे जो व्यक्ति है वो बैसाखियों पर है और पीछे पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जिस मकसद से आपके पर्सन के पास आई थी कि रुपया पैसा गाड़ी, वो मकसद उसे कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से वो मूव ऑन करना चाहती है आपके पर्सन से, और मूव ऑन करने के बाद उसके जो हाल चाल हैं अभी, जिस तरीके से वो मूव ऑन करना चाहती है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि इनकी फैमिली भी अब इन्हीं को दोष दे रही है। इनकी फैमिली इनसे सवाल जवाब कर रही है, इनसे आर्ग्यूमेंट कर रही है, इनसे आंसर्स मांग रही है। और जो भी पैसा इन्होंने उस थर्ड पार्टी पर खर्च किया है, ये उनकी फैमिली एक एक पाई का हिसाब मांग रही है। अब इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो ये अपनी फैमिली को दे सके, और ये सोच रहे हैं कि अब इनको फ्यूचर में क्या करना है, ऐसा कौन सा वर्क करना है जिससे ये बहुत जल्दी से अपनी मनी लॉसेस को रिकवर कर सकें। इन्होंने सोचा तो ये था कि ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जीवन खुशहाल गुजारेंगे, और कहीं ना कहीं
ये इस कोशिश में लगे हुए थे कि धीरे धीरे करके ये आपसे डिटैच होंगे और थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन को खुशनुमा गुजारेंगे, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, मॉडर्न लगती है या लगता है, और उसके जो ऊपर के दिखावे हैं, चमक दमक है, उससे आकृष्ट होकर ये उसकी ओर चले तो गए, लेकिन जब वहाँ सच्चाई खुली तो इनको समझ में आया कि भाई यहाँ तो माजरा ही अलग है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, जो रहन सहन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, उससे असल ज़िंदगी इनकी बिल्कुल अलग है। इन्होंने कहीं ना कहीं झांसे में रखा, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को झांसे में रखा, उसने सोशल मीडिया पर अपना इतना अच्छा जाल बिछाया कि इनको लगा कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है और पैसे की कोई कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के जाल में फंस चुके हैं। अब ये थर्ड पार्टी भी निकलना चाहती है और आपके पर्सन भी निकलना चाहते हैं, तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी दोनों की तरफ से कर्मा डीलिंग की चल रही है। दोनों ही एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, लेकिन अलग हो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी भी इन दोनों के कुछ ना कुछ कर्मा क्लियर होने के लिए बचे हुए हैं। चलिए इस डेक से चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है अभी इस वक्त। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, गाइड करें थर्ड पार्टी का क्या इस वक्त इशू चल रहा है। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक इंटेंसिटी, थर्ड पार्टी को ये लगता है कि इसने जो इनके साथ मेलजोल बढ़ाया, जो बहुत ज़्यादा इनके प्रति प्यार दिखाया, डेंसिटी कहते हैं ना कि लव डेंसिटी, जितनी ज़्यादा उसने इनके प्रति दिखाई है ना, अब उसको कहीं ना कहीं अपने आप में ये रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैंने इसके प्रति इतना प्रेम क्यों दिखाया। अबंडेंस, थर्ड पार्टी चाहती थी कि उसको अबंडेंस मिले और वो अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस जिंदगी को जिए। आप देख सकते हैं प्लेफुलनेस एनर्जी है यहाँ पर, ये कार्ड प्लेफुलनेस का है, अबंडेंस और एडवेंचर। इसने ये सोचा था कि पैसे मिलेंगे इस पर्सन के साथ, हर एक सुख सुविधा होगी, इस पर्सन को जैसे चाहेगी या चाहेंगे वैसे डील कर सकेंगे, अबंडेंस मिलेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, क्योंकि जब पैसा होगा तो खुशियाँ अपने आप दौड़ कर आएंगी, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती हैं। अगला है प्लेफुलनेस, और उसने सोचा था कि रंगीन जिंदगी होगी, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशनुमा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अरमानों पर पानी फिरता हुआ उसे दिख रहा है। अब वो चाहती है कि कोई पर्सन आकर उसे सपोर्ट करे, कोई पर्सन आकर उसको प्रोटेक्ट करे, ऐसा वो सोच रही है या सोच रहे हैं। अवेयरनेस, अब इसको अवेयरनेस आई है कि जिस चीज़ को वो सोना समझ रही थी वो कहीं ना कहीं पीतल है। इसकी सोच में आपके पर्सन गलत हैं, आपके पर्सन की सोच में ये गलत है, दोनों ही एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कोस रहे हैं, फाइनली दोनों के कर्मा बैलेंस जा रहे हैं, दोनों अपने अपने कर्मा डील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत जल्द एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, गोइंग विद फ्लो। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि अब उसे गो विद फ्लो जाना चाहिए, जिस तरीके से और जिस तरह से ईश्वर उसको रखे वैसे ही उसको रहना चाहिए, और वो ये कोशिश करती है कि वो डिवाइन के अकॉर्डिंग जाए, गो विद फ्लो जाए, जिधर ईश्वर चाहे उधर ही जीवन उसका बहता हुआ चला जाए। इस वक्त उसकी ये सोच बनी हुई है। ये मैसेजेस रेंडमली हैं, मतलब कुछ लव मैसेज भी हो सकते हैं आपके लिए, कोई यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है, डिवाइन की तरफ से मैसेज हो सकता है, मतलब इसमें कुछ भी मैसेज आ सकता है, और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है।
इस सारे। ओके, सबसे पहला जो आया है निकल कर वो अभी मैं रख लेती हूँ, जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं और चलिए काफ़ी आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए वन बाई वन मैसेजेस को रीड करती हूँ। सबसे पहला मैसेज है, गॉड नेवर ब्रेक योर हार्ट लव देम। भगवान कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, भगवान को प्यार कीजिएगा। और ये बात सच है यार, सच में मैं अपनी लाइफ में भगवान को पूजा भी करती हूँ, लेकिन मैं उनसे प्यार भी करती हूँ। अगर मैं उनसे आई लव यू बोलती हूँ तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं किसी पेपर पर, किसी नंबर से या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट के थ्रू वो मुझे मैसेज देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर ही 143 लिखा हुआ दिख जाता है और मैं समझ जाती हूँ कि मेरे ईश्वर ने मुझे रिप्लाई किया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने गॉड के प्रति, अपने बांके बिहारी के प्रति, कृष्णा जी के प्रति। अगला है, एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। अगर उनके एक्शन आपके लिए सही नहीं हैं तो उनसे डिटैच हो जाइएगा। बी योर ओन लाइट, अपनी लाइट, अपना प्रकाश खुद बनिएगा। किसी और से उम्मीद मत करिए कि कोई और आकर आपको प्यार करेगा। कोई आपसे कॉफ़ी डेट के लिए पूछना चाहता है, कोई पर्सन है जो आपसे कॉफ़ी डेट के लिए पूछना चाहता है, आपके पास जो है उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलिएगा। उम्मीद खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। तो ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स के हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस भी चेक करती हूँ यहाँ पर कि आपके लिए अब क्या निकल कर आता है यहाँ से। ओके, ये पर्सन कुछ छिपा रहे हैं। ये जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रही हो वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। आई एम पावरफुल पर्सन, ये आपके लिए एफिर्मेशन है। यूनिवर्स और डिवाइन ये चाहती हैं कि आप अपने आप से ये एफिर्मेशन डेली बोलें, आई एम पावरफुल पर्सन। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो डियर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ये मैसेज लिखिएगा, आई एम पावरफुल पर्सन। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, इस डिवाइन सेज फैमिली को और भी ज़्यादा बड़ा करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। थैंक यू।